नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं पबजी की। जी हां, वही पबजी जो कि एक चाइनीज गेम है, चाइनीज ऐप के द्वारा डाउनलोड भारत में किया करते थे, और लेकिन साल बीत गए हैं तब से पबजी पूरी तरह से भारत में बैन है। लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से भारत के युवा, या ये कहें कि जो नाबालिग हैं, वो भी पबजी खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे और ऐसे मग्न हो जाते हैं कि इनके आसपास कोई अगर घटना घट रही है तो इन्हें कोई अंदाजा उसका नहीं होता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने मां को ही मार डाला है। बताया ये जा रहा है कि नाबालिग बेटे को पबजी गेम खेलने की लत थी, मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने मां के सिर पर गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस कह रही है कि यही सच है। पहले आपको हम सुनाते हैं कि लखनऊ पुलिस का क्या कुछ कहना है, आगे फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटनाक्रम जो है वो बताएंगे। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे छुप दो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने अच्छा इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएं, उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो पबजी बैन तो गेम कैसे, बड़ा सवाल, पबजी बैन है गेम कैसे ऑन है? फिर पबजी समेत कई चीनी ऐप भारत में पूरी तरीके से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माँ के मर्डर के पीछे पबजी की लत छिपी हुई है, मोबाइल गेमिंग की लत ने बेटे को हत्यारा बना दिया, मां ने गेम खेलने से रोका तो मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन तक मां की लाश के साथ कातिल बेटा रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं चली। सवाल ये, आखिर कब तक देश का युवा गलत रास्ते को चुनता रहेगा? कभी ब्लू वेल गेम तो कभी पबजी तो कभी पोकेमोन गो, ऐसे तमाम गेम हैं जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। तो पबजी की लत है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में 16 साल के बेटे ने मां के सिर में पिस्टल से सटाकर एक गोली मारी और कहा कि बस हो गया अब नहीं। तो हत्या के बाद उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की, ऑनलाइन ऑर्डर अंडा करी किया और दोस्तों को खिलाया। इसके बाद फुकरे मूवी देखी। जब दोस्तों ने पूछा कि आंटी कहाँ है तो उसने कहा कि चाची के घर पर है। दरअसल आरोप है कि लखनऊ के यमुनापुरम कॉलोनी में गेमिंग की लत ने मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया, छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। ये पूरा मसला है। तो ऐसे में आखिर मानसिकता क्या है लोगों की, और जो हमारा देश का भविष्य है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो गेम की लत का शिकार हो रहे हैं, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, परिवार को क्या करना चाहिए, माता पिता को क्या करना चाहिए? ऐसे में डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA से वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में, और सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर नरेश चावला दिल्ली में जाना माना नाम है और दिल्ली के बाहर भी काफी ज्यादा प्रतिष्ठित सर हो चुके हैं। नरेश चावला जी,
ये पूरा मामला लखनऊ से जो सामने आया है, पुलिस कह रही है कि पबजी की लत में बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। पिता के लाइसेंस रिवॉल्वर थी और उसके बाद एक एक करके 6 बार फायर किया। तो मेरा सवाल यही है, क्योंकि एक ये सामाजिक मुद्दा है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर, सामाजिक मुद्दा है, इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेम आए हैं, चाहे वो ब्लू वेल गेम हो, चाहे वो पोकेमोन गो गेम हो, चाहे वो पबजी गेम हो। पबजी भारत में पूरी तरह से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से डाउनलोड हुआ है और दोबारा से लोग और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसे खेल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल सर ये है कि आखिर आगे क्या कदम उठाया जाए कि इसकी जो लत छोटे छोटे मासूम बच्चों को लग रही है वो खत्म हो सके। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यवश है, ये तो बहुत एक्सट्रीम है कि एक बच्चा अपनी माँ की हत्या करता है। ये तो ऑलमोस्ट इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि ये नशा बन चुका है। और मैं भी अपने डॉक्टरी प्रैक्टिस में कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनकी माँ की शिकायत करती है, डॉक्टर भी तो 24 घंटे यही काम करता है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये सोशल मीडिया का एक वन ऑफ द नोन वेल नोन साइड इफेक्ट्स है। लेकिन बात वही आ जाती है कि रोका कैसे जाए। रोकने के एक तरीका नहीं है, दो तरीके नहीं है, 50 तरीके हैं। सबसे पहला तो जिम्मेवारी जो बनती है वो परिवार के सदस्यों की बनती है। इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा होगा कि कहा गया है कि बच्चे के पिता उस शहर में नहीं थे, वो दूसरे शहर में पोस्टेड थे, यानी कि लेडी एक माई थी जो सुपरवाइज कर सकती थी। माँ मना करती थी तो उस बच्चे को लत इतनी ज्यादा थी कि जैसे कोई चरस का नशा हो या कोई हेरोइन का नशा हो या एलएसडी का नशा हो, उसने किसी की परवाह नहीं की। ये तो ये ऑलमोस्ट जो बिहेवियर है ये एक साइकोपैथ का बिहेवियर है। देखिए, पबजी या पबजी के अलावा साइकोपैथ बिहेवियर और भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बात कुल मिला के वहां पर आ जाती है कि देश का युवा कहाँ जा रहा है। पहले आपने देखा होगा जब ब्लू व्हेल की बात गेम की बात चली थी, तब भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तब भी किसी चैनल पे बोला था, तब भी हमने कम से कम एक साथ में 8-10 मौतें देखी थी ऐसी, जो कि रिपोर्टेड थी और कुछ और होंगी जो रिपोर्टेड नहीं थी। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया से जो ये एप्स डाउनलोड होती हैं वो इतनी लत नुमा होती हैं, इतनी लत नुमा होती है। ब्लू व्हेल में भी क्या होता था कि इंसान कुछ भी करने को मजा जाता था कि कुछ भी, यानी कि चाहे वो ब्लेड से खेल रहा है, चाहे वो छत से कूद रहा है, मौत हुई। तो दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो अप टू द एक्सटेंट जो कि पबजी आपने कहा बैंड है, तब भी अवेलेबल है। तो ऐसे कई चाइनीज ऐप्स हैं जो कि बैन होने के बावजूद भी अवेलेबल हैं। तो हमारे हिसाब से जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये टोटली अनअवेलेबल हो जाए। और दूसरा लेवल होता है परिवार का, और तीसरा लेवल होता है स्कूल का या समाज का, कोई आसपास के जैसे कि वेलफेयर एसोसिएशन है। आफ्टरऑल अगर किसी जगह पे ये हो रहा था तो सबको पता होता है। तो उससे हम जब तक एक पीयर प्रेशर नहीं बनाएंगे कि हाँ जी ये इस ब्लॉक के ये बच्चे ये काम कर रहे हैं, चाहे वो दारू पी रहे हैं, चाहे कोई और नशा कर रहे हैं, चाहे कोई पबजी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे वर्गों को मिलके एक रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे गुमराह युवकों को हम रोक भी पाएंगे और दोबारा ये ना हो, ऐसा कोई और लखनऊ वाले बच्चे का वादा दोबारा कोई ना हो, तभी हम इसको रोक पाएंगे। और ये हमें कई लेवल पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जहां तक मैं देख रहा हूँ, थोड़ा बेरोजगार हिंदुस्तान में बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, जो बच्चे हैं वो गुमराह हो जाते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, अगर कोई मोहल्ले का या वेलफेयर सोसाइटी का कोई वहां कोई सदना है तो उसको कहीं ना कहीं एक हमें सोशल प्रेशर जरूर बनाना पड़ेगा। और बाकी सरकार को तो करना ही चाहिए कि नॉट ओनली दिस एप्स, देयर आर मेनी अदर एप्स आल्सो व्हिच आर चाइनीज एंड बैंड, बट दे आर वाइडली अवेलेबल ऑल अक्रॉस इंडिया। सर, आपके पास वापस आती हूँ मैं। डॉक्टर अंकित गैरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल फिजिशियन हैं श्रीनगर गढ़वाल में। डॉक्टर अंकित, मुद्दा ये है कि पबजी की लत, सर आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है मैम। गुड आफ्टरनून। सर, मुद्दा ये है कि पबजी की लत
अभी तक खत्म नहीं हुई है, भले ही बैन हो गया हो पबजी, लेकिन अभी भी पबजी बहुत अच्छे से खेला जा रहा है और हमारे आसपास हमें दिख जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे, नौजवान पबजी की लत में इतना खो जाते हैं कि आसपास उनके क्या हो रहा होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। लखनऊ में ऐसा हुआ है कि माँ ने रोक टोक की तो बेटे ने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाली और माँ की मौत के घाट उतार दिया। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो विज्ञान है, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अब आज के दौर में अभिशाप साबित हो रहा है? जी बिल्कुल मैडम, जो ये जिस तरह की जो ये घटना हुई है, ये ऐसे पहले भी हुआ है। ऐसे पहले राजस्थान में एक बार इस तरह से हुआ, जहां पर बच्चे ने जो है इस तरह से जो है घर पे अपनी माँ को मार दिया। एक बार पहले भी मुंबई में किस तरह का किस्सा हुआ है, जहां पर माँ ने सिर्फ बच्चे को डांटा, वहां पर बच्चे ने जो है पैसे चुरा लिए थे और फिर एक नोटिस दे दिया था कि मैं जो हूँ घर छोड़ के जा रहा हूँ। सो इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं। इसको WHO ने इसको एक गेमिंग डिसऑर्डर के कैटेगरी में डाला है ना, कि पबजी जैसे गेम, जिस गेम में लगातार जो है बच्चों को सिखाए, बच्चों को ये एक इस तरह की प्रैक्टिस होती है कि वहां पर मारना हमेशा किसी को, पता हमेशा लड़ना, ये सब चीजें बच्चों को वहां पर दिखाया जा रहा है, बच्चे हर दिन इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसऑर्डर, गेमिंग डिसऑर्डर अपने आप में बहुत भारी शब्द हो जाता है, आप बेहतर जानते हैं मुझे। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आसपास सोशल मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है और आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जो पेरेंट्स की भी यहाँ गलती है, मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स की गलती नहीं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चे को, अगर बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चे को बहलाना है या बच्चे को आगे किसी चीज़ के लिए मनाना है, तो आप फोन हाथ में दे देते हैं, बच्चा उसमें तमाम चीज़ें खेल रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, ठीक है, कार्टून देख रहा होता है, वो अलग चीज़ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज़ दिमाग, शार्प माइंड के होते हैं, वो गेमिंग वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले लेते हैं और लत उन्हें तब से ही लग जाती है। उनको रोकने के लिए पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल मैम, ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बच्चों को अगर अकेलापन हो रहा है, अकेलापन नहीं होना चाहिए बच्चों के, उसमें सब साथ में बैठ के आपस में डिस्कस करें, है ना, जो भी बच्चे को परेशानी है उसके बारे में बात करें। अक्सर बच्चा इस तरह के गेम्स में इसलिए चले जाता है क्योंकि अकेलापन की वजह से, कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। सो अगर हम बच्चों को टाइम दें तो ये भी एक अच्छा वो होगा कि जिससे हम बच्चों को इन गेम्स की तरफ जाने से रोके। जो ये गेम्स बनाए जाते हैं बहुत ही एडिक्टिव तरह से बनाए जाते हैं। सो बच्चों, एक बार जब बच्चे ने गेम खेलना शुरू किया, उसको नेक्स्ट स्टेज पार करनी है, नेक्स्ट स्टेज पार करनी है, नेक्स्ट स्टेज पार करनी है। सो उसके लिए बच्चा कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। तो हमें जो है इस तरह के पहले तो इस तरह के गेम्स के लिए फिल्टर्स लगा सकते हैं हम लोग, इंटरनेट में हम लोग इस तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंटल फिल्टर्स होते हैं जिसमें इस तरह के गेम्स, ऑनलाइन गेम्स को हम लोग बैन कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इस तरह के गेम्स ना खेलें, है ना, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट करना होगा, है ना, और हमें बच्चे की कंडीशन देखनी होगी, कहीं बच्चे के अंदर ज्यादा चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, बच्चा आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं बच्चा सोने में उसका, कहीं उसको नींद में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, क्योंकि ये सब लक्षण होते हैं कि जब बच्चे को गेमिंग डिसऑर्डर हो जाता है तो हम ये सब चीजें देखते हैं कि बच्चे को ये सब परेशानी होने लगती है, पढ़ाई में मन ना लगना, नींद में इग्नोर भी कर देते हैं। कई बार होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसे आज लखनऊ में हुई है। डॉक्टर नरेश चावला सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जाना माना नाम है दिल्ली में और बाहर भी, पूरी तरह से प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की हुई है। डॉक्टर नरेश जी, लगातार मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया कि आपके पास भी ऐसे कई जो बच्चे थे वो आए, आपने बहुत देखा होगा ऐसे लोगों को, आपने उनकी काउंसलिंग भी की होगी, कितना मुश्किल है उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें समझाना? देखिए, ये एक बच्चों के पालन पोषण का एक ऑनगोइंग पार्ट है। देखिए, परिवार जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाएंगी हैं। एक माँ है और एक पिता है और एक बच्चा है। सोच के देखिए, पिता भी काम पर चला गया, वर्किंग लेडीज की तादाद बढ़ती जा रही है, वर्किंग मदर भी चली गई, तो बच्चा अकेला पड़ जाता है। ही ड्रॉज टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स जो स्कूल के भी हो सकते हैं, पड़ोस पड़ोस के भी हो सकते हैं। उसके तहत कहीं ना कहीं बच्चे के बिगड़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं।
जैसे कि डॉक्टर अंकित ने भी कहा कि somehow I would, मैं पेरेंट, अच्छी पेरेंटिंग के बहुत ज्यादा हाथ में हूँ। अगर हमें आज के युवा को सुधारना है तो जो क्लोजेस्ट लेवल है वो पेरेंट का आता है, बोथ पेरेंट्स, माँ या बाप या कोई दूसरा फैमिली में कोई दादा दादी हैं या दूसरे लोग हैं तो वो भी रोल अदा कर सकते हैं। तो अच्छी पेरेंटिंग में यही आएगा कि माँ बाप, मैंने अभी भी मैं कहूंगा, आज भी बच्चा जब साल डेढ़ का होता है, बच्चा दूध नहीं पी रहा होता, दो तो सबसे ईजिएस्ट टॉय है वो सेलफोन पकड़ा दिया जाता है। सेलफोन में चाहे वो कोई कार्टून देखता है, चाहे कोई म्यूजिक सुनता है, इट हैपेंस एज अर्ली एज वन ईयर ऑफ लाइफ। तो ये चीज बड़ा बढ़ती चली जाती है, बच्चे को लगता है भी सबसे अच्छा दोस्त तो मेरा मोबाइल है। तो उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे उसका ध्यान तरह तरह की, बच्चे का मन एक्सप्लोर करने का करता है, ढूंढने का, क्या ढूंढा, पबजी मिल गई, पबजी क्या है, पबजी में यू ट्राई टू स्टेप द ओवरस्टेप द नेक्स्ट स्टेप, अगला क्या होना, अगला क्या होना, अगला क्या होना, नशा हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंदा अगर वो पबजी में है तो ना वो दाया देखेगा, ना बाया देखेगा, ना पीछे देखेगा, सिर्फ पबजी में अपने गेम में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एट ऑल लेवल्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पेरेंटल लेवल जो कि बहुत क्लोजेस्ट लेवल है, सोसाइटी का लेवल, मोहल्ले का लेवल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का लेवल, एक स्कूल का लेवल, और उसके बाद आएगा गवर्नमेंट के लेवल। तो कई लेवल पे हमें इसको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो पबजी का आपने एक केस बताया, आई एम श्योर देयर आर मेनी हु आर सफरिंग। एक ने तो इसने तो एक्सट्रीम स्टेप उठाया तो ये नोटिस में आ गया और टीवी शो में बात आ गई है, अदरवाइज हजारों बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन छोड़ के, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एजुकेशन, दे आर बॉदर्ड अबाउट करियर, दे आर बॉदर्ड अबाउट ओनली वन थिंग। और कई बार ऐसा भी होता है सर कि बच्चे जो है अपने आप को भी हार्म करते हैं, जो ब्लू व्हेल गेम आया था उसमें खुद को ही हार्म कर रहे हैं। यस, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये ब्लू व्हेल का गेम आया था तो मैंने टीवी चैनल पे बोला था, तो बकायदा एक नहीं दो नहीं कई केस हुए थे कि बच्चा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया उसमें। आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो इम्प्रेशनिस्ट होता है, जो वो देखते हैं वैसा बन जाते हैं, चाहे वो फिल्मों से क्राइम सीखें, चाहे वो एप्स से क्राइम सीखें, चाहे वो अड़ोस पड़ोस देखें। तो बच्चों को आई थिंक एवरी पेरेंट, एवरी सोसाइटी, एवरी नेशन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट इट्स यूथ। तो उसको अगर उस तहत देखा जाए तो हमें कई लेवल पे बचाव करना। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, समय की थोड़ी कमी है। आपने कहा कि गुड पेरेंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन आप सर देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अलग अलग जगहों पे भी जाते हैं, अलग अलग पेरेंट्स से मिलते होंगे, अलग अलग मरीजों से मिलते होंगे, उनसे बात भी करते होंगे, युवा भी होंगे उसमें, बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। लेकिन आज के दौर में हमने देखा है कि अगर फैमिली या पेरेंट्स, मैं कहूँ माता पिता, अगर बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो फिर खुद के साथ कुछ गलत करते हैं या सामने वाले के साथ कुछ गलत करते हैं, जैसा इस पूरे मामले में हुआ है। तो ऐसे में कब से बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, कितने साल का हो कि तब से हम उसकी परवरिश पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें? आपने अभी कहा कि बहुत सारी ऐसी वर्किंग लेडी हैं जो ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो बहुत मुश्किल है, ऐसे में क्या आगे कदम उठाए जाए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कोई एक दिन या एक घंटे का स्टेप नहीं है, पेरेंटिंग इज ए ऑनगोइंग प्रोसीजर जो चलता ही रहता है। बच्चा छोटा है उसको चाहिए, बच्चा बड़ा हो गया उसको पढ़ाई देखनी है। प्लस एक मैंने कहा, जो बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। दूसरा जो मैंने अक्सर देखा है, द चिल्ड्रन ऑफ ब्रोकन फैमिलीज, वो बहुत कष्ट पाते हैं। इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग। आई हैव माई सेल्फ सीन इन लास्ट 40 ईयर्स ऑफ माई मेडिकल प्रैक्टिस, मैं आई थिंक कई सौ बच्चों को जानता हूँ, वो मुझे लगा कि यार ही हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ ब्रोकन फैमिली। तो देखो, ये समाज की कुछ बुराइयां हैं जो एक दिन में लड़ी नहीं जा सकती। आपने कहा बच्चे को किस स्टेज पे रोका जाए, तो बच्चे को तो पहले दिन से ही हमें काउंसिल करना पड़ेगा। विदेशों में अगर कोई माँ बच्चे को मना कर देती है तो बच्चा पुलिस में फोन कर देता है, तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि विदेशों में बच्चे अच्छे नहीं है, विदेशों में बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। बकायदा कई लेवल्स पे, पेरेंटल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कहीं कुल मिला के काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग अच्छी होती है तो बच्चे को समझ आ जाता है कि जो मेरे को मना किया जा रहा है वो मेरे कुछ खास भले के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए कई लेवल पे हमें सुधार होगी,
तभी बेहतर रिजल्ट हमें आने वाले सालों में मिल सकता है, वरना ऐसे तो हमारा जो देश का भविष्य है यही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आगे देश का भविष्य है, तो भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नरेश चावला जी आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अंकित आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पबजी की लत ऐसी लगी कि माँ को पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दो दिन तक शव को घर में रखा है और बदबू ना आए इसकी वजह से रूम फ्रेशनर लगातार नाबालिग छिड़कता रहा। उसके बाद लेकिन पोल खुलनी थी और पोल खुली और चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं। ऐसे में हम आपको सावधान कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिए, सोशल मीडिया पर वो क्या कर रहा है, फ़ोन में वो क्या देख रहा है, किसी चीज़ की लत तो नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घर से शुरू करेंगे तो समाज में अपने आप बदलाव आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।